यहाँ पे जैसे जी स्टेट्स वगैरह हैं, मैं पूरी वर्ल्ड की मैप्स के द्वारा अगर आप कैरियर बिल से ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो आपको इस तरीके से जो है पीडीएफ वगैरह दी जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से आपके कमेंट भी आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, और कुछ दोस्तों ने कहा कि एसएससी वाले जो एस्पायरेंट हैं उनका वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे हो। तो आज हमें फिर से मिल चुके हैं जय चतुर्वेदी। ये झांसी से हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में रह के। और सबसे अच्छी बात यह है, इनका कोचिंग कंप्लीट हो चुका है कैरियर बिल से। इन्होंने ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन इन्होंने कितने रुपए का लिया था और अभी यहाँ पे ये किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं, आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जय चतुर्वेदी, आपको झांसी से मुखर्जी नगर क्यों आना पड़ा, क्योंकि कोर्स तो आपने कैरियर बिल से ऑनलाइन ही लिया था। जी, मैंने कोर्स यहाँ से ले लिया था, लेकिन घर पे क्या है, बार बार डिस्टरबेंस होता था, क्योंकि जैसे मैंने अपना बताया कि अपना रूम जो है मैंने अलग करके रखा था घर वालों से कि डिस्टरबेंस ना हो पढ़ाई करते समय। लेकिन क्या है, जब तक मैं पढ़ाई करता रहा रूम में, तब तक तो रूम में था तब तक तो अच्छा लग रहा, जैसे ही रूम से बाहर निकला तो फिर घर की वही बातें, कहीं घर वालों ने ये कर दिया वो कर दिया, आस पड़ोस की बातें, गांव में गांव की बातें, और उनमें ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने की अपेक्षा, तो फिर बाहर में उनमें मन लगने लगता है। इसलिए फिर मैंने देखा वहाँ पर कि सीजीएल भी पास में आने वाला है, और सीजीएल ये 2021 वाला जो कि 22 में होगा इसको मुझे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने कहा इसके लिए घर से बेहतरीन तरीके से तैयारी हमारी जो है नहीं हो सकती, और इसके लिए फिर मैंने दिल्ली आना ज़्यादा बेटर समझा इसके। जब आपने कैरियर बिल से कोर्स खरीदा ऑनलाइन, तो आपने कितने रुपए का खरीदा था और वह कितने महीने का था? जी, मैं आपको जैसे मैंने राकेश यादव सर का मैथ का खरीदा था तो वो था उनका 1799 रुपये का, यानी कि 1800 रुपये का। और यदि उनका कुछ रहता है रजिस्ट्रेशन का, यदि 2-3 दिन के अंदर रहते हो तो वे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं। तो मैंने सर मैथ का और इंग्लिश का खरीदा हुआ था, और रीजनिंग मैंने यूट्यूब से और अनएकेडमी से, मेरे एक सर हैं यहीं की झांसी के आकाश चतुर्वेदी, उनसे मैंने किया हुआ था। तो रीजनिंग मैंने सेल्फ स्टडी के द्वारा की है एक तरीके से, और इंग्लिश और मैथ का मैंने करियर से डाउनलोड किया, क्या बोलते, कोर्स लिया हुआ है, और इंग्लिश का मैंने जयदीप सर से लिया हुआ है, और मैथ का मैंने राकेश सर से किया हुआ है। जयदीप सर भी कैरियर बिल में ही पढ़ाते हैं, है ना? तो ये बताइए, आपने कैरियर बिल से जब ये कोर्स खरीदा तो आपने लगभग कितने महीने तक वहाँ से पढ़ा? देखिए, जैसे इंग्लिश का कोर्स है तो इंग्लिश में क्या है, उनका मिनिमम जो कोर्स है कितना भी करें तो 6 से 7 महीने उसको कोर्स खोने में लगते हैं, और उसकी 1 साल की वैलिडिटी रहती है कोर्स की। तो मैंने अभी पिछली बार अगस्त में मैंने इंग्लिश के बैच को कंप्लीट किया है, और मैथ का बैच भी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, वैलिडिटी उसकी अभी भी रह रही है और इंग्लिश की भी है। उसके बाद फिर जैसे इंग्लिश का जैसे कोर्स तो मैंने कर लिया था, उसके बाद प्रैक्टिस बैच भी जो उनका होता है वो भी मैंने ज्वाइन किया था, जिससे जल्दी से जल्दी मेरी तैयारी जो है अच्छी तरीके से हो सके। और रीजनिंग तो मैं कर ही रहा हूँ अपने यहाँ से, और जीएस वगैरह भी आराम सेल्फ स्टडी से हो जाती है। जब आपने कैरियर बिल को ज्वाइन किया तो वो लोग क्या अपनी जो वीडियो हैं रिकॉर्डेड वो देते हैं आपको? नहीं, ऐसा क्या है, उनका कई प्रकार के कोर्स निकलते हैं, उनका एक वीओडी बैच होता है जिसमें सिर्फ वीडियो वाला उनका जो बैच रहता है उसको प्रोवाइड करते हैं, और देखिए उनका जो मैंने ज्वाइन किया था वो उनका लाइव बैच था, तो उसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव ही चलती थी। कभी कभी क्या होता था, कोई क्लासेस जैसे प्रैक्टिस वगैरह वो तो सारे क्वेश्चन हर बैच में एक सेम ही कराते, तो उनकी 2-4 वीडियो जो है वो कि बीओडी डाल देते थे वीडियो के रूप में, तो उनको देख के प्रैक्टिस वगैरह हो जाती थी। लेकिन क्लासेस हैं जितनी की कोर्स वगैरह वो सारी लाइव क्लासेस ही होती थी उनकी, और एक दिन में मिनिमम 2-2 3-3 क्लासेस, जैसे स्टार्टिंग में इंग्लिश में तो वो भी 2 क्लास करवाते थे, और मैथ में तो 2 रहती हैं, अर्थमेटिक का अलग चलता था, और एडवांस की अलग क्लासेस होती थी उसमें। जी यहाँ पे बहुत सारे छात्र ये कहते हैं हम तो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, तो जी आपने ऑफलाइन ज्वाइन क्यों नहीं किया, ऑनलाइन ही क्यों किया? जी कहना, मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन ऑफलाइन मैंने सोचा था ज्वाइन करने का, लेकिन ऑफलाइन जब मैंने 1-2 महीने गया तो मुझे वहाँ पे बेनिफिट नहीं समझा, मैंने झांसी में किया था। तो ऑफलाइन में क्या है, जैसे जाओ तो जितना समय वहाँ पे पढ़ाई हो रही है उससे ज़्यादा समय आने जाने में और वहाँ पे टाइम पास करने में उसमें ज़्यादा जा रहा था, और जो कि अब इतना समय है नहीं कि जितना आप टाइम पास करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप जाते हैं पहले तो आप आने जाने का टाइम जाएगा कोचिंग में, फिर वहाँ पर टीचर आ रहा, दूसरा टीचर आएगा तो उसका वेट करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारा समय जा रहा था। और एक बार आपने क्लास में सर कोई पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आपने पढ़ा, और कोई चीज़ मान लीजिए कभी कभी नहीं रहता, पूरा कंसंट्रेशन क्लास में नहीं रहता, कोई चीज़ मिस हो जाती है या किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, कोई चीज़ मिस हो गई तो वो आप दोबारा नहीं कर सकते, फिर आपको किसी स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या रहता है कि हम किसी भी क्लास को कितनी बार भी देख सकते हैं, मान लीजिए किसी कारण से क्लासेस नहीं भी दे पा रहे, कहीं बाहर जाना हुआ है कि बीमार वगैरह हो गए, तो आप कितनी भी क्लास को कितनी बार भी कर सकते हैं एक ही कोर्स को, जो वहाँ पे जाके आप फीस दे के, और वहाँ पे ज़्यादा फीस भी लगती है, वहाँ पे आप 1 साल में जितनी फीस लगी उसमें आप पूरा एसएससी का सारे विषय का कोर्स कर सकते हो, और एक नहीं 1 से 2 बार 3 बार जितना बार भी आपका मन होता है उस चीज़ को आप डाउट क्लियर कर सकते हो उसमें।
मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हमारे देश में बहुत सारे कोचिंग है SSC के लिए, लेकिन आपने ऑनलाइन जो कैरियर बिल है उससे ही क्यों खरीदा? क्या उसकी फ़ीस कम थी इसलिए? नहीं, कम से नहीं, क्योंकि क्या मैंने काफ़ी सारे टीचर्स का पहले मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना उनका डेमो वगैरह देखा मैंने, फिर अनअकैडमी का देखा, तो अनअकैडमी पर मुझे पहले ठीक लगा, लेकिन लगा वहाँ पे क्या ना सारे टीचर्स का कभी रहता नहीं है, कभी कोई कहाँ चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। उसके फिर मैंने जब कैरियर का देखा तो एक आपका एक तरीके से सस्ता भी था और बेहतरीन टीचर्स में पढ़ाने वाले थे, क्योंकि जैसे जयदीप सर हैं, राकेश यादव सर एकदम मैथ के या इंग्लिश के बेहतरीन टीचर्स में गिने जाते हैं, और इन लोगों से पढ़ाना क्योंकि मैंने इनकी यूट्यूब पर वीडियो या क्लासेस देखा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट लगा इनसे पढ़ना, मुझे इनका ज़्यादा समझ में आया और बाकी टीचर्स की अपेक्षा, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। ओके, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे यहाँ पे या फिर अभी चल रहा है? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, BSc मैंने किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से। आज आपको झांसी के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे कई हज़ार, अगर वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं जहाँ से अभी आप कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे या फिर हिंदी मीडियम के? नहीं नहीं, हम लोग एकदम मैं प्योर हिंदी मीडियम से व्यक्ति हैं, क्योंकि हम लोग पूरा विद्या भारती स्कूल में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश का तो नाम मार का बात भी नहीं होता है वहाँ पे। और यदि झांसी से कोई भी आना चाहता है तो यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे आके रह सकता है बढ़िया तरीके से, यहाँ पे झांसी से बेहतरीन पढ़ाई हो जाए, क्योंकि मैं झांसी में भी रहा हूँ तो झांसी का मैंने माहौल भी देखा है और यहाँ का माहौल देखा है, तो झांसी से तो बेटर यहीं पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। ये कौन सा PG है जिसमें आप रहते हैं, इसका रेंट वगैरह कितना पे करते हैं? जी, यह हैदराबाद PG के नाम से है, यहाँ पे मुखर्जी नगर में इंदिरा विकास कॉलोनी में है, और ये डुअल सीटर है, यानी कि दो लोग इसमें रहते हैं, मैं हूँ और मेरा दोस्त भी है वहीं झांसी के, इन दोनों साथ में ही स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका 6,500 रुपये इसका रेंट है एक लोग का पर हेड, यानी कि दोनों का 13,000। जी, बिजली का बिल अलग से? नहीं नहीं, बिजली का बिल इसमें कुछ नहीं देना, कुछ सिर्फ 6,500 देंगे, उसके बाद आपका खाना पीना इंटरनेट वगैरह या RO वाटर वगैरह बिजली वाटर सारी चीज़ें इसी में। जो कोचिंग से आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है या फिर जो भी प्रोवाइड किया गया है, उसके अलावा भी आप कोई किताबें पढ़ते हैं अपने आप से, कुछ फॉलो करते हैं? जी जी, क्योंकि क्या ना एक्चुअल मैं यूट्यूब पर जैसे एक दो टीचर्स हैं उनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए या कोई GS के टॉपिक्स वगैरह के लिए, तो उन्होंने जो किताबें सजेस्ट की हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, और क्या बोलते कोचिंग से सिर्फ इंग्लिश का और मैथ का वो मिला है मटेरियल जो कि PDF के फॉर्म में है, जो कि PDF के फॉर्म में पढ़ने में ऑनलाइन पढ़ने में तो अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह करने में यदि वो सॉलिड फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर लगता है, तो उसके लिए या तो आप उसको प्रिंट करवा देते हैं कभी कभी जो PDF हम लोग को प्राप्त हो गया, या फिर बाहर से उन्हीं की बुक्स को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से बढ़िया तरीके से। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ है जय चतुर्वेदी, ये हैं झांसी से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका एक लैपटॉप है और इनके कुछ नोट्स वगैरह हैं, अभी ये शायद कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे मैथ की शायद, और यहाँ पे पीछे आप देखेंगे इनकी बुक्स वगैरह हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने अपना कुछ जो भी है मैथ के स्क्वायर वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं, और भी जो फॉर्मूले वगैरह हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से अपने नोट्स वगैरह बना रहे थे, अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये अपने नोट्स वगैरह तैयार करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों इन्होंने अपने कुछ नोट्स बनाए हैं, अब इनसे ही पूछेंगे अभी कौन से हैं और कब से बना रहे हैं। ये कौन से नोट्स हैं आपके? ये मेरे GS के हैं। कब से बना रहे हैं आप? जी, इसको मैंने अभी यहाँ पे डेली में आके मैंने बना स्टार्ट किया है, स्टैटिक के नोट्स हैं और बाकी GS तो मैं बना चुका हूँ, ये सिर्फ स्टैटिक के नोट्स हैं। जैसे ये आपने खुद बनाए हैं? जी जी, मैंने खुद बनाए हुए हैं, और जैसे यहाँ पे जो सेंसस ऑफ इंडिया है और यहाँ पे जैसे जो स्टेट्स वगैरह हैं मैं पूरे वर्ल्ड की मैप के द्वारा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं। बहुत खूबसूरत आपने बनाए हैं जी, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ डेजर्ट्स भी हैं जो कि अधिकतर स्टैटिक फॉर्म में हमारे कोचिंग्स वगैरह एक बहुत SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं रेगुलरली उसके अकॉर्डिंग। और दिखाइए आके, और फिर मैं आपको जैसे अपने इंग्लिश के नोट्स दिखा रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश के दिखाइए। ये आपके इंग्लिश के नोट्स हैं, ये आपने कोचिंग से जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा था उसी बनाए हैं खुद से? नहीं नहीं जी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस के हैं, जैसे जयदीप सर वगैरह जो पढ़ाते थे उसी क्लास से मैंने बनाए हुए हैं, क्लास में वो नोट्स ही बनवाते हैं जैसे वो कि वो बनवाते जाते हैं और हम बनाते जाते हैं वहीं पे, समझाते जाते हैं लिखते जाते हैं वो ऑनलाइन, है ना? जी जी, ऑनलाइन सारे के सारे नोट्स मेरे ऑनलाइन ही हैं। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है इंग्लिश की। थैंक यू। और दिखाइए दूसरे सब्जेक्ट के। जी, ये मेरे जैसे मैथ्स के नोट हैं,
जी ये राकेश यादव सर पढ़ाते जी, हैं जी ये राकेश यादव सर के हैं। राकेश यादव सर जैसा वो पढ़ाते जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने जैसे क्लास भी डाली हुई है कि कौन से नंबर की क्लास है, जिससे कि कभी दोबारा रिवीजन करने का भी मन हुआ तो डायरेक्ट जी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे क्लास नंबर 16 और जैसे 26 तारीख को नई क्लास हमारी दी हुई थी, उस तरीके से सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये हैं मैथ के नोट्स जी, और सारे के सारे मैंने ऑनलाइन ही बनाए हुए हैं सारे के सारे जी। ओके ये कौन से क्वेश्चन है? ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑनलाइन जो कैरियर बिल है वो आपको किस तरीके से प्रोवाइड कराता है चीज़ें। अगर आप कैरियर बिल से ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो आपको इस तरीके से जो है पीडीएफ वगैरह दी जाती हैं। ये हमारी बुक ऐप की पीडीएफ है जिसमें कि एग्जाम वोकैबुलरी दिया हुआ है सर ने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स फ्रेज वगैरह सारी। आगे दिखाइए, आगे कीजिए थोड़ा जी, जैसे जी कि इसमें काफ़ी सारी पीडीएफ उनकी यहाँ पे देख हम देख सकते हैं। तो लगभग लगभग एक पीडीएफ में इनके 5 से 6 पेज रहते हैं और लगभग लगभग स्टेप बाय स्टेप इसमें बुकैब रहती है कि फर्स्ट स्टेप में एक के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेप बाय स्टेप रहती है, जिसको याद करने में भी सुविधा होती है, स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं और उसको समझने में भी ज़्यादा सुविधा होती है। सारे के सारे नोट्स जैसे इंग्लिश के मैथ के भी ऐसे ही देते हैं जी, मैथ्स के भी ऐसे देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।